आपको कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में भी लोग अनलॉक होते ही सड़कों पर निकल आए। यही नहीं, कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। तो लगभग 3 महीने के बाद नागपुर का मार्केट खुला है और आप ये सीधी तस्वीरें नागपुर के सड़कों पर देखोगे तो पता चलता है कि 3 महीने के बाद जो लोगों को मौका मिला है तो लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। अगर आप मार्केट का भी नज़ारा देखोगे तो मार्केट में भी सवेरे से लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। लगभग 3 महीने के बाद मार्केट पूरी क्षमता से खुला है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में भी भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि मार्केट खोलना चाहिए, लेकिन अगर नागपुर का कोरोना की स्थिति देखी जाए तो अभी भी रोज 200 पॉजिटिव पेशेंट अलग अलग जगह से नागपुर में निकल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर जिस तरह से आज से पूरे मार्केट खोले गए हैं तो सवेरे से भीड़ हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से मास्क भी नहीं पहनते। इधर अगर आप बाजू में ये चौक में भी देखेंगे तो कैसे देखने को मिलता है कि भीड़ का सामना लोग बार बार भीड़ कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रशासन के भी तरफ से यहाँ कोई खड़े नहीं है। पुलिस वाले हैं खड़े कुछ समय के लिए, लेकिन वो लोगों पर कार्रवाई करते हुए नहीं दिख सकते आप। तो महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया कई चरणों में शुरू हुई और आज से बाजार खुल रहे हैं, साथ ही बस और ऑटो भी चल रहे हैं। लेकिन पहले ही दिन कई जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बस स्टैंड पर किसी भी आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इसके अलावा ऑटो में भी 3 लोग सफर करते हुए दिखाई दिए। ये हालात तब हैं जब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि अगर लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़े तो फिर सख्ती की जा सकती है। पुणे शहर में बिगिन द चेन अंतर्गत जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। करीब 16 अप्रैल के बाद पहली बार पुणे की जो सिटी बस है PMP वो दौड़ रही है। जो महाराष्ट्र की ST बस है वो भी आज शुरू हो रही है। हालांकि ST जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो उसकी इजाज़त है, लेकिन जो सिटी बस है PMP उसमें 50% मतलब आधी ही क्षमता से वो दौड़ेगी। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, स्टैंडिंग को अलाउड नहीं होगा। और देख सकते हैं कि पुणे के जो लोग हैं वो अभी निकलना शुरू हुए हैं। स्वारगेट बस स्टैंड के बाहर का ये नज़ारा है जहाँ पे लोग राह देख रहे हैं ST बस की। क्या आपको सुरक्षित लग रहा है अभी? हाँ। या अभी कोरोना का डर है? अभी सुरक्षित अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद अभी शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत दिन बाद शुरू हो रहा है, इसके लिए जरा मूड अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लोग पालन करेंगे ऐसा लग रहा है? हाँ, पालन करेंगे हम लोग। देखिए लोगों का भी मूड थोड़ा भी अच्छा लग रहा है। और लोगों, आपको क्या लगता है, अभी कोरोना का डर कायम है या अभी डर चला गया? अभी तो कम हो गया है कोरोना का डर, अभी ज्यादा नहीं है। और मतलब, लोग भी आपको लगता है कि नियमों का पालन करेंगे? हाँ, नियमों का पालन तो करेंगे, जिसको आपकी शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल है ना, वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है, शुरू रहना चाहिए इस तरह से अभी? हाँ, ऐसे ही शुरू रहना चाहिए, क्योंकि जो जॉब वगैरह को जाते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए। तो उनका भी कहना है कि अच्छा लग रहा है और लोगों को खुद का स्वास्थ्य का ख्याल है, इसलिए वो नियमों का पालन कर रहे हैं और करने के लिए तैयार भी है। तो एक अच्छी शुरुआत हम इसको मान सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश कदम के साथ अद्वैत मेहता, न्यूज 18 इंडिया। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मुंबई से आ रही हैं, जो दिल्ली से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं।